मूवी की शुरुआत में हमें एक बुड्ढा आदमी दिखाया जाता है जिसे अल्जाइमर की बीमारी होती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता, जिसका एक बेटा होता है विल, जो कि एक वैज्ञानिक होता है जो किसी भी कीमत पे अपने पिता के लिए अल्जाइमर की दवाई बनाना चाहता है। वो बना भी लेता है, पर इसके इंसान पर परीक्षण करने से पहले वो चिंपैंजी पर करना चाहता है। इस दवाई का नाम ALZ-112 होता है। अब आगे जब चिंपैंजी पर इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाता है। ये देखकर विल बहुत ही खुश होता है। अब विल ये एक्सपेरिमेंट के बारे में अपने सीनियर को बताता है और बाद में बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग रखी जाती है। अब दूसरी तरफ उस चिंपैंजी को दिखाया जाता है जिस पर दवाई का परीक्षण किया गया था। जब एक वर्कर उस चिंपैंजी को जबरदस्ती दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए लेके आता है तब चिंपैंजी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो किसी तरह वहाँ से निकलकर सब तोड़ फोड़ करके जहाँ पे बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही है वहाँ पे आ जाता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। विल यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता और चिंपैंजी के इतने अग्रेसिव होने पर उसे गोली मारी जाती है। अब चिंपैंजी के साथ साथ विल का एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो जाता है। बोर्ड ऑफ मेंबर्स इस दवाई का इंसानों पर परीक्षण करने से मना कर देते हैं। विल अपने बॉस को बहुत समझाता है कि मेरी दवाई में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बॉस कहता है अगर ऐसा होता तो चिंपैंजी इतना अग्रेसिव नहीं होता। अब विल यहाँ पे बहुत उदास हो जाता है और अपनी लैब में वापस आता है। तभी लैब के केयर टेकर फ्रैंकलिन विल के पास आता है और बताता है कि असलियत में जब आपकी मीटिंग चल रही थी उसी वक्त उस चिंपैंजी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और जब उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाया जाता है तो वो चिंपैंजी अपने बच्चों से दूर नहीं रहना चाहता और इसलिए वो अग्रेसिव हो गया था। अब बॉस के कहने पर वो परीक्षण किए गए सभी चिंपैंजी को मार दिया जाता है, लेकिन फ्रैंकलिन बच्चे को नहीं मार पाता। फ्रैंकलिन विल को बताता है कि आपकी दवाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। विल सारी बात समझ जाता है और बिना किसी को बताए उस बच्चे को लेकर घर आ जाता है। बहुत ही कम समय में वो बच्चा विल के पिताजी के साथ घुल मिल जाता है। इस तरह 3 साल बीत जाते हैं। अब वो चिंपैंजी का बच्चा जिसका नाम सीजर है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। उसका दिमाग इंसानों की तरह तेज होता है। अब वो ये एप पढ़ता है, गेम्स खेलता है और इंसानों के जैसे ही रहता है। बस वो एक चीज नहीं कर पाता, इंसानों की तरह बोलना। अब हमें विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी दिमागी हालत बहुत ही खराब हो रही होती है। यहाँ तक कि उनकी केयर टेकर भी काम करने से इनकार कर देती है और विल को बताती है कि तुम्हारे पिता को हॉस्पिटल की जरूरत है, घर पर अब केयर नहीं की जा सकती। विल ये सुनकर दुखी हो जाता है। दूसरे दिन विल अपने लैब से वो दवाई लाता है जो उसने सीजर की मोम और बाकी चिंपैंजी पर यूज की थी। वो रिस्क लेता है और वो दवाई अपने पिता को दे देता है। विल के पिता वो पहले इंसान होते हैं जिनके ऊपर ये दवाई का परीक्षण किया जाता है। अब दूसरे दिन विल देखता है कि उसके पिता अब ठीक हो गए हैं। वो पियानो बजा रहे होते हैं। विल समझ जाता है कि उसकी दवाई इंसानों पर काम करती है। दूसरी तरफ सीजर्स को दिखाया जाता है जो कभी घर से बाहर नहीं निकला होता है। सीजर रोज खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते देखता है। एक दिन सीजर पड़ोसी के घर पे खेलने चले जाता है। पड़ोसी घबरा के उसे मारने लगता है कि तभी विल और उसके पिता वहाँ आ जाते हैं और सीजर को बचाते हैं। विल पड़ोसी को समझाता है कि सीजर सिर्फ खेलना चाहता है, लेकिन वो पड़ोसी कहता है कि अगर फिर से मुझे सीजर दिखा तो मैं उसे मार दूंगा। अब सीजर के पैर पर लगी चोट देखकर विल उसे डॉक्टर कैरोलिन के पास ले जाता है। जब कैरोलिन सीजर की ड्रेसिंग कर रही होती है वो देखती है कि सीजर विल से साइन लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। कैरोलिन समझ जाती है कि सीजर कितना इंटेलिजेंट है। अब डॉक्टर कैरोलिन विल के घर आना शुरू कर देती है। एक दिन कैरोलिन के कहने पर विल सीजर को बाहर लेकर जाता है। वो पास के एक जंगल जिसका नाम रेडवुड होता है वहाँ पर जाता है। सीजर को ये एप बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। इस बीच कैरोलिन और विल भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक दिन रेडवुड में एक कपल अपने डॉग के गले में पट्टा डालकर आया होता है। उन्हें देखकर सीजर विल से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ। विल कहता है कि तुम मेरे बेटे हो। अब विल सीजर को अपनी लैब के बाहर ले जाता है और उसे सारी बातें बताता है कि कैसे उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से सीजर की मॉम की मौत हुई थी। अब यहाँ सीजर को अपने पास्ट के बारे में सब पता चल जाता है। दूसरी तरफ विल के पिता की अल्जाइमर की बीमारी फिर से शुरू हो जाती है। विल समझ जाता है कि दवाई का असर खत्म हो रहा है। एक दिन विल का पिता अपनी कार ड्राइव करने जाते हैं
लेकिन अल्जाइमर की वजह से भूल जाते हैं कि ड्राइव कैसे करते हैं और पड़ोसी की कार को टक्कर मार देते हैं। पड़ोसी ये देखकर विल के पिता को मारने लगता है। ये देखकर सीजर को गुस्सा आता है और वो बाहर आकर पड़ोसी पर हमला कर देता है। गुस्से में सीजर उनकी उंगली काट देता है। ये सब होने के बाद कोर्ट के फैसले से सीजर को एनिमल कंट्रोल वाले आकर ले जाते हैं। सीजर वहाँ पर रहना नहीं चाहता, लेकिन विल अब कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वो सीजर को बताता है कि कुछ टाइम के लिए तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा। ये सुनकर सीजर विल पर बहुत गुस्सा करता है। दूसरी तरफ विल के पिता फिर से अल्जाइमर के पेशेंट बन जाते हैं। विल पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई बनाने के बारे में सोचता है। विल अपने बॉस को अपने पिताजी के किए एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है और कहता है कि मेरे पिता को ठीक करने के लिए एक पहले से स्ट्रॉन्ग दवाई बनाना चाहता हूँ। बॉस परमिशन दे देता है। अब दवाई बनाने के बाद उसका एक चिंपैंजी पर परीक्षण किया जाता है। उसी बीच एक पाइप निकल जाती है और विल का कोवर्कर फ्रैंकलिन मास्क के निकल जाने की वजह से थोड़ी सी दवाई को इनहेल कर लेता है। बाद में चिंपैंजी जिस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। दूसरी तरफ कैरोलिन और विल सीजर से मिलने जाते हैं। वो देखते हैं कि सीजर के हाथ में चोट लगी होती है और उसे बहुत ही छोटे से पिंजरे में कैद करके रखा होता है। विल गुस्से में आके वहाँ के वर्कर को कहता है कि अगर सीजर के साथ कुछ भी गलत किया तो वो इस जगह को बंद करवा देगा। सीजर अब भी विल से बहुत नाराज है क्योंकि विल उसे घर नहीं लेके जाता और साथ में दूसरे चिंपैंजी भी सीजर को यहाँ पर बहुत परेशान करते हैं। अब विल घर पर आता है और देखता है कि अब पिताजी की हालत बहुत ही खराब है। वो उन्हें दवाई देना चाहता है लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं क्योंकि वो समझ गए होते हैं कि अब उनका आखिरी समय आ गया है और वो मर जाते हैं। अब विल के पास सिर्फ सीजर ही होता है। वो बहुत सारे पैसे देकर सीजर को वापस लेने जाता है लेकिन यहाँ पर अब सीजर विल के साथ जाने के लिए इनकार कर देता है और पिंजरा बंद कर देता है। विल उदास होकर वापस लौट आ जाता है। एक दिन ये अपने काम करने वाले वर्कर्स के कुछ दोस्त चिंपैंजी को देखने आते हैं। उनमें से एक लड़का जब सीजर के पास आता है तो सीजर उसे पकड़ के उसके पास से चाकू ले आता है। बाद में सीजर उस चाकू से अपना पिंजरा खोल देता है और दूसरे पिंजरे के पास आता है जहाँ पे एक ओरेंगोटोन को बंद किया होता है जो कि सर्कस से है। वो सीजर का दोस्त होता है। सीजर उसे भी बाहर निकालता है। अब सीजर सीधा विल के घर जाता है। वो दवाई लेता है और वापस आकर उस दवाई को खोल देता है जिससे सभी चिंपैंजी इनहेल कर इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तभी वो वर्कर आ जाता है और सीजर को एक सटीक से करंट लगाने की कोशिश करता है लेकिन सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है और पहली बार कहता है नो। अब वो वर्कर उठकर सीजर की तरफ सटीक से करंट लगाने जाता है। तभी सीजर उस पर पानी डालता है जिससे शॉक लगने की वजह से वर्कर मर जाता है। सीजर अब बाकी की चिंपैंजी को आजाद कर देता है और बाद में जू में जाके वहाँ के सारे चिंपैंजी को भी आजाद कर देता है। बाद में सब उसी लैब में जाते हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया था और यहाँ पर सभी चिंपैंजी को आजाद कर देते हैं। दूसरी तरफ विल सीजर को मिलने जाता है तो वहाँ उसे एक जख्मी वर्कर मिलता है। वो कहता है कि तुम्हारा सीजर अब इंसानों की तरह बोलने लगा है और सभी चिंपैंजी को लेकर चला गया है। विल वहाँ पड़ी अपनी दवाई की खाली बोतल देखकर सब समझ जाता है। सभी चिंपैंजी अब रेडवुड की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक ब्रिज पर पुलिस उनका रास्ता रोकती है। चिंपैंजी के ऊपर हेलीकॉप्टर से भी हमला होता है। पुलिस और चिंपैंजी के बीच जबरदस्त फाइट होती है। जैसे तैसे करके सभी चिंपैंजी अपनी मंजिल रेडवुड आ जाते हैं। विल भी यहाँ आ जाता है। विल सीजर को घर ले जाना चाहता है लेकिन सीजर विल को गले लगा कर कहता है कि अब ये मेरा घर है। विल भी समझ जाता है कि सीजर को उसकी दुनिया मिल चुकी होती है। अब हमें विल के पड़ोसी को दिखाया जाता है जिसकी उंगली को सीजर ने काटा था जो कि एक पायलट है। अब उसकी नाक से ब्लड निकलता है। फ्रैंकलिन इन्फेक्टेड होने के बाद जब विल से मिलने उसके घर आया था तो वहाँ विल के पड़ोसी से भी मिला था जहाँ फ्रैंकलिन के खांसने की वजह से ब्लड के छींटे उस पड़ोसी के ऊपर गिरे थे और वो भी इन्फेक्टेड हुआ था। फ्रैंकलिन तो बाद में मर जाता है लेकिन वो पायलट अब पूरे प्लेन को इन्फेक्टेड करने जा रहा होता है। अब अगले पार्ट में हम दिखाते हैं कि कैसे वायरस को फैले 10 साल हो चुके हैं और पूरी दुनिया इन्फेक्टेड हो चुकी है।